बिना कानून के किसी को बंदिश में डाला जा रहा है, इसके मुताबिक हमारी हाई कमांड को परेशान किया जा रहा है। आज हम इसकी निंदा करते हैं और हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे, हम इंसाफ लेके रहेंगे। जो है राहुल गांधी के ऊपर जो बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके लिए है। पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में हर ज़िले में इसका विरोध हो रहा है और इसलिए आज हमारा प्रोटेस्ट राहुल गांधी के इतना बड़ा इतना मतलब के जो पेश बनाया गया है। आप देख रहे हैं देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है और बदले की भावना से हमारे कांग्रेस के नेतृत्व पे जिस तरह से हमला बोला जा रहा है, पूरी प्रजातंत्र पे ये हमला है, डेमोक्रेसी पे हमला है। जब आप सवाल पूछो, क्योंकि राहुल गांधी जी आंख में आंख डाल करके, चाहे वो बेरोजगारी हो,
महंगाई हो, आज अग्निपथ हो, इस तरह की जो स्कीमें हैं, चाइना की घुसपैठ हो और नोटबंदी हो, कोरोना में महामारी में जिस तरह से लोगों की जाने गई हो, हर बात पे चूंकि प्रेशर उठाते हैं, इसलिए मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री को गांधी परिवार, राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पे बहुत परेशानी है। आज भी जिस तरह से उन्होंने स्कीमें चलाई हैं और युवा जो है वो सड़कों पे हैं, आगजनी में हैं, वो जान देने को तैयार हैं, इस तरह के सवालात कांग्रेस पार्टी ही उठाती है और इसलिए बदले की भावना से ये एक फेक केस बना करके 8 साल से जो बंद था दोबारा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया गया। जो नेशनल हेराल्ड हमारी वो अखबार है जो धरोहर है, जो पहचान है आज़ादी की, जिसको 100 किश्तों में अगर 90 करोड़ रुपया जो पत्रकारों का तनख्वाह थी, अखबार के मुलाजमों की तनख्वाह थी 67 करोड़ रुपया और बाकी दफ्तरों के किराए, बिजली पानी के, अगर वो कांग्रेस पार्टी ने अपने से दिया और उस लोन को बाद में माफ़ करने के लिए कंपनी बना के उसको शेयर में बदला, उसकी संपत्ति सारी जो है वो ट्रस्ट के नाम है जो कि नो प्रॉफिट ट्रस्ट है। You are watching Kerala.